पीर अली खां का जन्म 1820 में आजमगढ़ के एक गांव मोहम्मदपुर में हुआ था। किशोरावस्था में वो घर से भागकर पटना आ गए थे। पटना के जमींदार नवाब मीर अब्दुल्ला ने उनकी परवरिश की और पढ़ाया लिखाया। बड़े होने पर नवाब साहब की मदद से उन्होंने किताबों की एक दुकान खोल ली। आगे चलकर वही दुकान बिहार के क्रांतिकारियों के जमावड़े का अहम ठिकाना बन गया। क्रांतिकारियों के संपर्क में आने के बाद पीर अली खां दुकान पर क्रांतिकारी साहित्य मंगाकर रखने लगे। पटना गांधी संग्रहालय के अध्यक्ष रजी अहमद के मुताबिक 1857 की क्रांति के वक्त पीर अली खां घूम घूम कर लोगों को आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए जागरूक करने लगे। 3 जुलाई 1857, ये वो तारीख है जब पीर अली ने आजादी के आंदोलन को धार देते हुए अंग्रेजी हुकूमत को सीधी चुनौती दी और इसकी गूंज इंग्लैंड तक महसूस की गई। वहां तत्कालीन कमिश्नर विलियम टेलर ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवाई। कई क्रांतिकारी मौके पर ही शहीद हो गए, लेकिन पीर अली खां और कुछ क्रांतिकारी वहां से बच निकलने में कामयाब हो गए। लेकिन 5 जुलाई 1857 को पीर अली को 14 साथियों के साथ गिरफ्तार कर दिया गया। पीर अली पर बगावत का आरोप लगाकर उन्हें यातनाएं दी गई। 7 जुलाई 1857 को पीर अली को उनके कई साथियों के साथ फांसी पर लटका दिया गया। अंग्रेज अधिकारी पीर अली से उनके सभी साथियों का नाम जानना चाहते थे, लेकिन पीर अली ने देश से गद्दारी करने के बजाय मौत को गले लगाना बेहतर समझा। पीर अली खां के बारे में जो सबसे चौंकाने वाली बात पता चली वो ये कि अंग्रेजी हुकूमत उनसे इतना खौफ खाती थी कि उन्हें गिरफ्तार करने के 2 दिन के अंदर बिना कोई मुकदमा चलाए उन्हें सरेआम फांसी दे दी गई। देश की आजादी के लिए शहीद होने वाले पीर अली खां ने क्रांति की ऐसी अलख जगाई जो अगले 100 सालों तक धधकती रही। उनके कुर्बानी क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा बन गई और उनकी कहानी मौजूदा पीढ़ी के लिए भी देशभक्ति का नायाब सबक।